Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. आज जो तुमने मुझे खुशी दी है ना, वो जिंदगी की वो खुशी है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा कैसे शुक्र अदा करूं। मेरा नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। उजाला आ भी जाओ, कितना तैयार होगी तुम? उजाला कितनी देर लगेगी तुम्हें? उजाला क्या हो गया तब्रेज, क्यों चिल्ला रहे हैं? आ रही थी ना। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि कितनी प्यारी लग रही हो तुम। बस कर दे, अब इतनी भी कोई हूर परी नहीं हूँ मैं जो आप हमेशा मेरी तारीफें करते रहते। मेरी तो हूर भी तुम हो और परी भी तुम ही हो। अब देर नहीं हो रही आपको? क्या हो गया उजाला, तुम अभी भी मुझसे वैसे ही कतराती हो जैसे शादी के शुरू के दिनों में कतराती हो। रेज आपकी तो बातें खत्म नहीं होती है, जल्दी करें, शमा और तैमूर पहुंचने वाले होंगे। तो बातें करना मना है क्या? अब चले, देर हो रही है। चले जाएंगे उजाला, 15 मिनट का रास्ते पहुंच जाएंगे, तुम्हें देखने ना दो ना मुझे। देख लिया, चले। अच्छा बाबा चलो। शमा तो मैं बता नहीं सकती, मैं इतना खुश हूँ तुम लोग इतने अरसे बाद आए हो अचानक। पता है मैं तो तैमूर को हर वक्त कहती थी कि मुझे तुमसे मिलवाने के लिए ले जाए, मगर इसके पास तो टाइम ही नहीं होता, हर वक्त अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में लगा रहता है। बाय द वे मुबारक हो तुम्हें, तुमने दुबई में दूसरी कंपनी खोल ली है, बहुत जल्दी तरक्की कर ली है तुमने। थैंक यू यार, बस अल्लाह मियां ने हाथ पकड़ा और यहाँ पहुँचा दिया। आज जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह मियां की वजह से। तुम्हें याद है ना उजाला, हमने फाइनेंशियली कितना सफर किया है? पता है मुझे आज भी याद है वो गुर्बत वाले दिन। वो गरीब भी याद है, उसे भूल गई। तुम बाज ना आना मुझे मेरी बेवकूफियां याद कराने से, और उस वक्त ना तुम भी कोई टिक्कर ढंग का काम नहीं करते थे। अच्छा बस करो, तुम दोनों लड़ना ना शुरू कर दो। मैं कहां लड़ता हूँ, ये लड़ती है हर वक्त मेरे से। मैं तो शरीफ सा इंसान हूँ, इस बिल्ली के पंजे तेज रहते हैं हर वक्त। तुमने मुझे बिल्ली कहा? रुको, तुम्हें ये देख रहे हो तुम लोग, तुम लोगों के सामने मुझे इस तरह मार रही है, अकेले में कितना मारती होगी। अरे बेबे बहुत मार है कमबख्त ने, बेबे अरे बेबे कहाँ रह गई है? हाय हाय करम जड़ी तू फिर आ गई तो क्या, ना आती अपने घर में वापस? ना बात सुन, अपने शोर से लड़के आई है ना, मुझसे ना लड़, जान छोड़ मेरी। हाँ अब तो तुम सब लोग जान छुड़ाओगे मुझसे, किसी काम की जो नहीं रही जुबी। ना बात सुन, ये जो तेरी जबान चलती है ना कतर कतर, इसने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, फिर शोर से लड़के आई है। जानती है बेबे अच्छे से, उस बंदे ने मेरी जिंदगी अजाब की हुई थी, मुझे नहीं जाना उस घर में वापस। ना तो तू ही झुक जा, पर तू क्यों झुकने वाली है भाई, है ना? नहीं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, क्यों नहीं समझती है? तो क्या दिन रात उस नशे के जूते खाती रहूं, यही रह गया सुबह की जिंदगी में अब? हाँ तो पसंद किसकी थी वो नशे ही, मरी जा रही थी तू उससे शादी के लिए, अब खा जूते उससे, उतरा भूत या अभी भी नहीं उतरा? बहुत हो गई है, मैं तुम सबको बता रही हूँ मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और देखती हूँ मुझे कौन यहाँ से भेजेगा। वो जो तेरी भाभी है ना चुड़ैल, तुझे 2 दिन यहाँ नहीं रहने देगी, धक्के मार के निकालेगी। देखती हूँ मैं उस चुड़ैल को, हाथ तो लगा के दिखाए जूबी को, हाथ लगाएगी मुझे वो, ये घर मेरा मेरा, मेरे पैसों से खरीदा हुआ बेबे, ईंट से ईंट बजा दूंगी सबकी मैं, बड़ा हल्का ले रखा है जूबी को। ना बात सुन जूबी, वक्त पहले जैसा नहीं रहा है, तेरा भाई इतना गुस्से का है ना, धक्के मार के तुझे घर से निकालेगा, और ना निकाले तो मेरा नाम बदल दी। वाह वाह बेबे वाह, तू भी ऐसे बोलेगी? अब जूबी को ये दिन देखने पड़ेंगे, शर्म आ रही है मुझे अपने पर, शर्म। कितना समझाया था तुझे कि ना कर गुस्सा, ना लड़ तबरेज से, अपने घर में रह, ना वहाँ से यहाँ नशे के पास आ गई, इससे भी तेरा गुजारा नहीं हो रहा है। ना चाहती क्या है तू, आराम से रहती ना घर में तो आज हम भी खुश रह रहे होते, पर तुझे तो समझ आती ही ना अपने साथ साथ तूने हमें भी बर्बाद कर दिया, ना आ गए उसी गुर्बत की जिंदगी में, और तो और अपना बच्चा भी छोड़ के आ गई वहाँ पे पैसों की लालच में, अब रो रही है बैठ के, नशे ही मारता है नशे ही मारता है। सारी गलती तो जूबी की है ना, लेकिन मेरी तुम लोग भी कान खोल के बात सुन लो,
मैं अपने घर से हिल लेने वाली समझ आई? आए बड़े मुझे बताने वाले, बिल्कुल ही पागल हो चुकी है पिट पिट कर, पिट पिट के ना नशे से इसका दिमाग खराब हो चुका है। अब कितने अच्छे दिन थे, वहां इतने आराम से रहते थे ठंडी ठंडी हवाओं में, आराम से अच्छे बिस्तरों पे सोते थे, लाके मार दिया इसकी वजह से हम गुर्बत में मर गए। फिर आके ना तो यहाँ वक्त पे खाने को मिलता है ना पीने को, खुद तो बर्बाद हुई हुई कमबख्त मारी ने हमें भी बर्बाद कर दिया। अरे कैसे अच्छे दिन थे, तूने हमें बर्बाद कर दिया, कहीं खाना छोड़ा, पागल हो गई थी उस नशे के पीछे, शादी शादी शादी, अब पड़ रहे जूते ना। उजाला मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना अपने वतन वापस आके, पता तुमसे बातें करने के लिए ना तरस गई थी। अच्छा क्यों, रोज तो तुम मुझसे फोन पे और व्हाट्सएप पे बातें किया करती थी। अब भाई व्हाट्सएप पे बात करने में वो मजा कहाँ है जो फेस टू फेस बात करने में। ये तो है, तुम्हें पता है मैंने भी तुम लोगों को बहुत 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 ज्यादा मिस किया इन सालों में यार। सुजाला बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गए ना, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक कह रही हूँ। अच्छा ये बताओ तुम उसामा को साथ क्यों नहीं लाई, तुम्हें पता है ना मुझसे से मिलने का कितना दिल चाहता है। यार उसामा की स्कूलिंग का मसला चल रहा है और इस वजह से ताई भी नहीं आई, वरना हमारा पूरी फैमिली के साथ विजिट करने का प्लान है। अच्छा शमा ये बताओ कि भाई की तबीयत तो ठीक है ना, उनके घुटनों में दर्द तो नहीं रहता? हाँ मेडिसिन वगैरह तो चल रही है। अच्छा मुझे ये बताओ जूबी गवार ने फिर तबीयत से कोई रब्ता करने की कोशिश तो नहीं की ना? शमा तुम वहाँ से भी कॉल कर कर मुझे रोज यही सवाल पूछती थी और मेरा एक ही जवाब होता था ना कि अब उस लड़की को भूल जाओ प्लीज। यार मेरी तरफ से ना वो जहन्नुम में जाए, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, सिर्फ तुम्हारी। अब मुझे कुछ खिलाओगी या भूखा मारोगी? चलो खिलाती हूँ। हाँ मुझे बच्चों से भी मिलना। रूबी कैसा है? हाय 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 वाह वाह वाह। रूबी रूबी हाय हाय रूबी, ना तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही है, कितनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, आके बर्तन धो वहाँ पे। तुझे शोर के अलावा कुछ करना आता है? और मैं यहाँ सुकून के लिए आई थी समझ आई, बर्तन धोने के लिए नहीं आई थी। ना इसी दिन के लिए मत्था मारा करती थी कि तबरेज से बना के रख, अब देखना कितने सालों से रुलती फिर रही है, कभी इधर कभी उधर। मेरा तो सब कुछ तुम लोग लूट के खा गए, अब तो धक्के ही मिलेंगे ना मुझे एंड में। ऐसा क्या तूने हमें खिला दिया जो हर वक्त आने देती रहती है? याद दिलाऊं वो तेरे बेटे को जो मैंने होटल खोल के दिया वो किसका पैसा है? सारा मेरा पैसा है जो तबरेज के घर से लाई थी मैं। और बात सुन, तूने जो वो पप्पू को और दुकान खोल के दी थी, जाकर जाके कर उसका हिसाब, लेकर आ सारा हिसाब उससे, वो भी तो खा के सारा बैठ गया ना तेरा पैसा। लूंगी उससे सारे हिसाब लूंगी, मैं नहीं रहूंगी उसके साथ। देख जूबी कान खोल के सुन ली, अगर अब तूने कोई ऐसा फैसला किया ना तो हमसे किसी अच्छे की उम्मीद ना रख, तेरा बाप भाई वैसे ही बड़े गुस्से में। कोई उम्मीद भी नहीं तुम लोगों से मुझे, मेरा सारा पैसा खा के डकार तक ली तुम लोगों ने और अब मेरा वजूद बुरा लगता है? ना हमें तेरे वजूद पे नहीं तेरी हरकतों पे गुस्सा आता है। सुधर क्यों नहीं जाती है तू जूबी? पप्पू जैसा भी है तेरा शोर है ना, कब तक तू ऐसी तलाकें लेती रहेगी? लूंगी तलाक मैं उससे, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है, समझ आई? वो लकारा कुछ करता तो है नहीं बेबे, घर में बैठ के मुझे मारता रहता है बस, मैं उसकी मार बर्दाश्त नहीं करूंगी, बस बहुत हो गई अब तुम लोगों की। अच्छा चल सब छोड़ो अभी, चल के बर्तन तो धो। मैं बर्तन वर्तन नहीं धोऊंगी, जाके खुद ही धो लो बर्तन, नहीं धो सकती तो अपने उस बहू को बोल जाके बर्तन धोए, काम करने नहीं आई यहाँ पे, और यहाँ से जा, मुझे गाना सुनने दे सुकून से, गाना बर्बाद कर दिया मेरा। तू नहीं सुधरने वाली, कितने ही तुझे समझा लेना तेरी ये जबान नहीं रुकने वाली, ऐसे ही जूते खाती रहेगी, करती रहे गाने सुनती रहे, देख फिर जाएगी फिर जूते खाएगी, ना हरकतें नहीं सुधारेगी तो डंडे ही पड़ते रहेंगे तेरे सारी उम्र। पागल औरत के दिमाग खराब करके रख दिया, गाना खराब कर दिया। तस्वीर खींचते और फिर ताई को भेजेंगे। कितनी प्यारी आई है ना। हाँ और क्या चल रहा है, बहुत तस्वीरें खींच रही है? कुछ नहीं, बातें बातें और बस बातें। अच्छा आपको क्या हुआ, इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं आप? बस ऑफिस का काम बंदे को थका ही देता है, चलो मैं चेंज करके आता हूँ। अच्छा सुने वो खाना भी खाएंगे या तैमूर भाई के साथ खाएंगे? तैमूर कहीं गया हुआ क्या? हाँ वो अपने किसी पाकिस्तान के क्लाइंट से मीटिंग के लिए गए। ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी जो तैमूर का बिजनेस है उसका पाकिस्तान में बहुत स्कोप है। हाँ इसीलिए तो हमने सोचा कि पाकिस्तान आकर जायजा लेते हैं और फिर सोचा आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। शमा तुम तो
तो मुझसे कह रही थी कि तुम सिर्फ मुझसे मिलने आई हो। हाँ मैं तो तुमसे ही मिलने आई हूँ, मगर तैमूर तो बिजनेस के लिए आया ना। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। छोड़ो ना, पिक्चर कितनी अच्छी आई है। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं फिर आता हूँ फ्रेश। भाई को भेजना, हंस तो लो। मैं ज्यादा छोटी लग रही हूँ, मुझसे कितना खुश होंगी ताई हम दोनों का साथ देखे ये सोचो। ये मैंने सुबह भी कहा था कि मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, जैसे कि अपडेट मिलेगी मैं बता दूंगा आपको। तब अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। तब्रेज़ क्या हुआ है, आप टेंशन में लग रहे हैं मुझे। जरा बिजनेस में कुछ टेंशन चल रही थी इसलिए। कैसी टेंशन? पता नहीं काफी लॉस में जा रहा है बिजनेस, कुछ समझ नहीं आ रही, जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कैंसिल हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिजनेस में तो ये चीजें होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। खैर तुम परेशान ना हो। तो फिर कैसी बातें कर रहे हो, कैसे परेशान ना हो? आप परेशान हैं तो मैं कैसे ऐसे इजी रह सकती हूँ? जरा मैंने तुम्हें बातें इसलिए बताई है ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुमसे बातें छुपा रहा। मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अब आप मुझे ये बताएं कि हम इस मसले को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ आपकी? जो तुम कह रही हो ना वो काफी है, बच्चों का ख्याल रखना और मुझसे मोहब्बत करना। तब्रेज़ ये तो हर औरत की जिंदगी का हिस्सा होता है जो उसे हर हाल में करना होता है, आप कुछ और बताएं मुझे। तुम बस हमेशा मेरे लिए ऐसे तैयार रखो, मुझे अच्छा लगता है। अब ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ ना बेफिक्र रहो, ये चीजें तो रूटीन का मामला है। अच्छा मैं आपकी चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है ठीक, बस दुआ करो सब कुछ ऐसे ही अच्छे से चलता रहे। हमारा बिजनेस यहाँ सेटल हो जाएगा तो यहाँ भी हमारी अच्छी से बुनियाद कायम हो जाएगी। मगर तैमूर माशाल्लाह से हमारा बिजनेस वहाँ पर इतना अच्छा चल रहा है, हमें यहाँ शिफ्ट होने की क्या जरूरत है? हम ना हो लेकिन कल को हमारे बच्चे तो आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बिजनेस होना और घर होना दोनों बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो घर भी देख लेंगे इंशाल्लाह। वैसे तैमूर मुझे तुम्हें एक कामयाब बिजनेसमैन देखकर बहुत खुशी होती है। तो तुम्हें वो दौर याद है जब मैं धक्के खाया करता था और जब पहली बार दुबई गया था, एक अजीब से अपार्टमेंट में शेयरिंग पे रहना पड़ा। तो शुक्र है तब्रेज़ के कॉन्टेक्ट काम आ गए तो कुछ और काम मिल गया मुझे। तब्रेज़ भाई के वाकई बहुत एहसान है। मगर तैमूर तुमने नोटिस किया आजकल तब्रेज़ भाई बहुत परेशान से हैं। हाँ मैंने भी महसूस किया लेकिन मैंने पूछा नहीं, आई थॉट कि मियां बीवी का कोई पर्सनल मैटर है। नहीं तैमूर ये मामला नहीं है, उजाला ने मुझे बताया था कि बिजनेस का कोई इशू चल रहा है, सरसरी सी बात हुई थी, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाई। तो तुमने आगे पूछा उससे? मैंने सोचा बाद में पूछ लूंगी डिटेल में। हाँ लेकिन पूछ लेना जरूर। ओके अब मुझे एक चाय पिला दो। और कुछ? वाह सिर्फ चाय काफी। अभी बनाती हूँ। इसको देखो कोई होश ही नहीं, घूम रही है। बात सुन, सुबह फजर मेले से तू निकली हुई है, कहाँ घूम रही है? तुझे कोई काम धंधा नहीं है घर में? मेरे पास बहुत काम धंधा है, तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? और मैं कोई नौकरानी नहीं, मैं क्यों करूँ घर का काम? जबान देखो कैसी कतर कतर चलती, घिसती नहीं तेरी जबान इतनी चल चल के, डराम हो गई है। भाभी तेरी सुबह से कल ही लगी है, जाके काम कर उसके साथ। हाँ तो मैं क्या करूँ, लगी तो लगी रहे, उसी का घर है वही काम करेगी, मैं कौन होती हूँ काम करने वाली? बहुत ही खुदगर्ज लड़की है तू, किसी का ख्याल नहीं है तुझे। हाँ हूँ मैं खुदगर्ज, क्यों किसी का एहसास करूँ? कोई मेरे बारे में सोच रहा है इन दिनों? कोई नहीं सोच रहा तो मैं क्यों सोचूं? ना ठीक कह रही है, तू है ही बहुत खुदगर्ज लड़की, तुझे तो अपने बच्चे का भी एहसास नहीं है, ना सौकन के पास छोड़ के आ गई है और रह रही है आराम से यहाँ पर। गफूर है मैंने तुझसे पहले ही कहा था, ओए मैं इसकी हाथ पैर की हड्डियाँ तोड़ के डाल देता हूँ, पर तू मानी नहीं। अब देख पप्पू से शादी करके होता क्या है? खैर गया था मैं पप्पू के पास का दिमाग ठीक करने, वो मुझे मिला नहीं। अब्बा मैं तुझे बता रही हूँ, अगली बार तू पप्पू के पास बिल्कुल नहीं जाएगा, ये मेरा मसला मैं खुद देखूंगी। पता नहीं कौन से गुनाह की सजा मिली है हमें, तू मर क्यों नहीं जाती है? अगर मैं मर जाती
तो तबरेज की माँ से पैसे कौन लेता? जो तुम तीनों ने बैठ के अय्याशिया की वो कौन करता? वो सब भूल गए? तू भूल गया अब्बा वो अय्याशिया? गफूरा वो समझा दे इसको, समझा दे, नहीं तो तुझे तो पता है मेरे दिमाग का, कहीं परसों इसका स्वयं ना हो जाए। चलनी ना हुई तो समझ में नहीं आता है कुछ। मार दो मुझे, मार दो, मेरी गलती अब तो। इतनी खुश थी मैं तबरेज के घर में, कोई गम कोई दुख नहीं था मुझे। या अल्लाह मैंने क्या किया अपने साथ, मेरी सारी सहेलियां इतनी खुश है अपने अपने घरों में, मेरे नसीब उड़े थे क्या इस घर में आके। चल बस चुप हो जा, ज्यादा बकवास ना कर, बहुत ही हड़ाराम हो गए, जाके काम कर सारे घर के। मैं कोई काम आम नहीं करी, समझ आई? नौकरानी नहीं तुम्हारी कि झाड़ू पोछा कर उस घर का, मैं नफसियाती के इनके सारे। बहुत ही जबान चलती है भाई इसकी, कतर 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 बोले चली जाती है, इसकी समझ नहीं आ सकती, ऐसी पिटती रहेगी। उजाला कुछ हुआ है क्या? क्या मतलब क्या हुआ? मैं और तैमूर कल से नोट कर रहे कि तुम और तबरेज किसी बात को लेकर परेशान हो। शमा कुछ नहीं, बस कुछ बिजनेस की प्रॉब्लम्स है, आजकल तबरेज का बिजनेस थोड़ा लॉस में जा रहा है। बिजनेस की प्रॉब्लम? मगर तबरेज तो इस बिजनेस को काफी टाइम से लेकर चल रहा और उसने तो अपने काम को बढ़ाया भी था। बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अब मार्केट का कुछ पता थोड़ी होता है, कब अप हो और कब डाउन। जाला मुझे एक बात बता, सच सच बता, तुम लोग फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो ना? अरे शमा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तबरेज का कोई एक बिजनेस थोड़ी है, तुम जानती तो हो उससे कितने शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में। जाला कभी भी किसी भी तरह की तुम्हें अगर हेल्प चाहिए तो मुझे बोल सकती हो। ठीक है बता दूंगी, बस अब तुम टेंशन मत लो और तैमूर भाई को भी बोलो। और आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने कुछ शेयर तैमूर के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें? परफेक्ट आइडिया, मैं तो खुद पार्टनर ढूंढ रहा था यार, और तुमसे बढ़ के ट्रस्टेड पार्टनर कहाँ मिलेगा मुझे? हाँ यार तैमूर, मैंने अपने पैसे पहले ही काफी जगह इन्वेस्ट किए हुए, मेरा नहीं ख्याल कि मैं सब कुछ कर सकूंगा। सकून मिल गया मुझे, अब मरेगा अकेला, खुद मरेगा ये। ओ जिंदगी अजाब करके रख दी मेरी सबने। सावली।